ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी नंबर 478 क्लैरिफाइड ऑन 21 जुलाई 2006 एट तिरुपति आंध्र प्रदेश। मुरली चल गई थी 25 मार्च 1967। द मुरली डेटेड 25 मार्च 1967 वॉज बींग नरेटेड। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। द टॉपिक बींग डिस्कस्ड इन द मिडल ऑफ द सेकेंड पेज वॉज ये दुनिया तो मृत्यु लोक है। दिस वर्ल्ड इज सर्टेनली द मॉर्टल वर्ल्ड। और हमें अब अमर लोक में जाना है। एंड नाउ वी हैव टू गो टू द इमॉर्टल वर्ल्ड। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। All of you are Brahma Kumar Kumari. बहन भाई हो गए। You are sisters and brothers. तो ये युक्ति है। हम ब्राह्मण बहन भाई हैं, अपवित्र नहीं हो सकते। So this is a tactic. We Brahmins are sisters and brothers. We can't become impure. हम पवित्र बन जाएंगे तो पवित्र दुनिया भी चाहिए। We become pure, so we need the pure world too. इसीलिए पवित्र दुनिया का विनाश होता है। This is why the impure world is destroyed. इसलिए होता है पवित्र दुनिया का विनाश। Why is the impure world destroyed? यह पवित्र दुनिया में सब अपवित्र ही होते हैं। एवरीवन इज सर्टेनली इम्प्योर इन दिस इम्प्योर वर्ल्ड। और पवित्र दुनिया में सब पवित्र ही होने चाहिए। एंड एवरीवन शुड जस्ट बी प्योर इन द प्योर वर्ल्ड। अगर पवित्र दुनिया में भी कोई अपवित्र रह जाएंगे तो फिर संघ का रंग लगता रहेगा। इसलिए आप पवित्र दुनिया का विनाश हो जाता है। इफ सम इम्प्योर सोल्स रिमेन इवन इन द प्योर वर्ल्ड दे विल कंटिन्यू टू कम इन द कलर ऑफ देयर कंपनी। दिस इज व्हाई द इम्प्योर वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड। बाप ने खुद कहा है। द फादर हिमसेल्फ हैज सेड ये रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है। This kingdom of Ravan is the demonic community. अंधश्रद्धा से सब की भक्ति करते रहते हैं। They keep worshipping everyone with blind faith. श्रद्धा विश्वास किसी को पक्का बैठता नहीं। No one has firm faith and belief. क्योंकि अंधश्रद्धा सिखाते हैं। Because they teach blind faith. श्रद्धा विश्वास पक्का करने के लिए पहले पहले बाप का परिचय देना। टू मेक देयर फेथ एंड बिलीव फर्म यू शुड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर फर्स्ट ऑफ ऑल। बाप का परिचय पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो कोई के ऊपर भी असर होगा। इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर सिट्स फॉर्मली इन देयर इंटेलेक्ट एनीवन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। नहीं तो इतना असर नहीं होता है। अदरवाइज दे वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड सो मच। चाहे कितना भी ज्ञान सुनाते रहें। नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू नरेट टू देम। वेद का बाप है। ही इज द अनलिमिटेड फादर। तो समझाना है उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। सो यू शुड एक्सप्लेन टू देम वी रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम अलोन। अभी वो समय है बाप से बेहद का वर्षा लेने का। नाउ इट इज द टाइम टू टेक द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। घड़ी पर ले आना चाहिए। दिखाना चाहिए कि देखो अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है।
यू शुड टेक देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा व्हील एंड शो. लुक, इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज नाउ. ये सुई घड़ी की सुइयां बता रही हैं. अभी वो समय आ गया है बाप से वर्षा लेने का. The needles of the world drama wheel are indicating now the time to take the inheritance from the father has come. अभी हम वापस जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. Now we are making पुरुषार्थ to go back. थोड़ा थोड़ा इशारे से समझाना चाहिए. You should explain to them a little by giving hints. कि हम इस पतित कलयुगी दुनिया को छोड़कर शांति धाम आत्माओं के लोक में वापस जाने वाले हैं. We are going to go back to the abode of peace, the soul world, after leaving the sinful iron age world. जहां जाकर के फिर इस पतित कलयुगी दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे. After going where, we won't return to this sinful iron age world. समझाते समय कोई की रग भी देखनी होती है. You should also check their pearls while explaining to them. तुम बच्चों के लिए निष्ठा के प्रोग्राम बहुत आते हैं. Many programs of Nishtha are organized for you children. Nishtha, especially conducted meditation. ये तो क्योंकि तुम सारा दिन धंधे धोरी में बिजी रहते हो, याद नहीं करते हो. Because you stay busy in business and occupation the entire day and don't remember the father. तो फिर बैठ कर थोड़ा बहुत याद करें. So you should sit and remember him at least a little. कर्म करते बार बार भूल जाते हो. While performing actions, you forget him every now and then. इसलिए प्रोग्राम देते हैं कुछ विकर्म विनाश हो जावे, कुछ समय सफल हो जावे. This is why the programs are organized so that your sins are destroyed and the time becomes fruitful. प्रदर्शनी के लिए भी पुरुषार्थ चलता है तो अपने को पावन बनाने के लिए वो पुरुषार्थ चलता है. You make पुरुषार्थ for organizing exhibitions as well as for becoming pure. बच्चों को बाप मत देते रहते हैं. The father keeps giving directions to the children. कि गृहस्थ व्यवहार में मन रहो परंतु अपने मासूम को याद करो. Though you stay in the household and family, remember your beloved. वो आशिक और वो मासूक जो दुनिया में होते हैं वो भी पवित्र रहते हैं. इवन द लवर एंड द बिलवड इन द वर्ल्ड स्टे प्योर. गंदे नहीं होते हैं. दे डोंट बिकम डर्टी. अंदरूनी प्यार रहता है. दे हैव इनर लव. यहाँ तो है ही आत्मा और परमात्मा की बात. हियर इट इज डेफिनेटली अबाउट द सोल एंड द सुप्रीम सोल. बाप कहते हैं आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझे मासूक बाप के. The father says, you are the lovers of me, the beloved father, for half a cycle. और ये भी समझाने के लिए कहा जाता है, अभी तुम बाप से ज्ञान सुनते रहते हो. You are also asked to explain that. Now you keep listening to the knowledge from the father. बाप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हैं. The father knows the essence of all the Vedas and the scriptures. इसमें प्रवेश करके समझाते हैं क्या. He enters him and explains what. जो भी वेदों शास्त्रों में सार है वो इसमें प्रवेश करके समझाते हैं. He enters him and explains all the essence of the Vedas and the scriptures. एक होते हैं हद के वेद शास्त्र और एक होते हैं बेहद के वेद शास्त्र. One is the limited Vedas and scriptures and the other is the unlimited Vedas and scriptures.
हमारी ब्राह्मणों की दुनिया के वेद के वे शास्त्र कौन कौन है? What are the unlimited Vedas and scriptures of our Brahmin world? मुरलियां हमारे वेद हैं। The Murlis are our Vedas. कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। It is said that the Vedas came out through Brahma's mouth. विद्माना जानकारी, वेदमाना जानकारी का भंडार। Ved means information. Ved means the storehouse of information. लेकिन वेदों की गुरुचाएं पढ़ने से कोई कुछ समझ नहीं सकता। But no one can understand anything by reading those verses of the Vedas. उन वेदों में क्या सार की बात भरी हुई है कोई जान नहीं सकता। No one can know the essence that the Vedas have. और उन वेदों रूपी मुरलियों के आधार पर मनुष्यों ने शास्त्र और ग्रंथ बनाए, मोटी मोटी पुस्तकें बनाई। And people have written scriptures and grants on the basis of those murlis in the form of Vedas. They have made voluminous books. जिनमें अपने तरीके से व्याख्या लिख दी। In which they wrote the clarifications according to them. बाप कहते हैं जब समझ में ही नहीं आता सार, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा हुआ? The father says, When you just don't understand the essence, what is the use of reading them? तो मैं आकर के उन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। So I come and explain the essence of those Vedas and scriptures. और इनमें प्रवेश करके समझाता हूँ। And I enter him and explain it. प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनावेंगे, तो जरूर प्रवेश ही करेंगे। If he narrates it through the mouth of Prajapita Brahma, he will definitely enter him. नहीं तो कैसे बोलेंगे? Otherwise, how will he speak? मेरे को अपना मुख तो है नहीं। I certainly don't have a mouth. तुम हमारे मुख से बोल सकेंगे क्या? Will you be able to speak through my mouth? जरूर आत्मा ही प्रवेश करेगी। Definitely, the soul will enter. तो बाप कहते हैं हमें इनमें प्रवेश कर शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। So the father says, I enter them and narrate the essence of the scriptures. इनमें माने किनमें? Whom does them refer to? पहले कृष्ण की आत्मा में और बाद में राम की आत्मा। It refers to the soul of Krishna first and then the soul of Ram. कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता हूँ तो भक्ति मार्ग में जो मोटे मोटे वेद ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं मनुष्यों के द्वारा उनका सार समझाता हूँ। When I enter the soul of Krishna, I explain the essence of the voluminous Vedas, grants, and scriptures written by human beings in the path of bhakti. जिसे मुरली कहते हैं। That is called Murli. वो मुरली भी तुम्हारी समझ में तब आती है जब वो मुरली गीता ज्ञानामृत का रूप धारण करे। You understand that murli only when it takes on the form of the nectar of the knowledge of the Gita, that is, Gita ज्ञानामृत। अमृत तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। The nectar comes out when the knowledge is churned. तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया उनके शरीर छोड़ने के बाद देवताएं और आसुर ऐसे ब्राह्मण जो देवता की कोटि के भी हैं और रावण की कोटि के भी हैं वो देव आसुर मिलकर के मंथन करते हैं। The knowledge that he narrated through Brahma's mouth. After he left his body, the deities and the demons, such Brahmins who belong to the category of deities as well as demons, churn it together. अपने अपने तरीके से मन चिंतन मंथन करते हैं।
दे थिंक एंड चर्न इन देयर ओन वे। और उस मंथन से जो सार निकलता है वो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ। And I narrate the essence that emerges through that churning to you children. तो वो है सारा भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग। So all that is the path of bhakti, the path of blind faith. पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। They just keep reading and mugging it up. They don't understand anything. मैं तो तुम्हें सार की बात बताता हूँ। I explain the essence to you. अभी तुमको अभी विचार याद में रहना है। Now you have to stay in the unadulterated remembrance. अभी क्यों? Why now? क्योंकि पहले तो जो तुम शास्त्र सुनते आए वो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए थे। It is because the scriptures that you kept listening to earlier were written by various human beings. अनेक मनुष्य गुरुओं ने उनकी व्याख्या करके सुनाई, तो अनेक मनुष्य गुरुओं की तुमको भी विचारी याद आती रही। Various human gurus clarified and narrated them, so you continued to have the adulterated remembrance of various human gurus. और अभी? And what about now? अभी तो मैं एक ही परम पिता परमात्मा आकर के तुमको सार की बात बताता हूँ। Now I, the one supreme father, supreme soul alone, come and explain the topics of essence to you. तो ये सब विचारी याद में रहना है। So you have to stay in the unadulterated remembrance. यही मेहनत है। This is the only hard work. जितना हो सके बाप को ही याद करते रहो। Keep remembering only the father as much as you can. अच्छा, वेद के माता पिता बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत श्रीमतधारी बच्चों को याद प्यार और दू नहीं। अच्छा, remembrance, love and good night from the unlimited mother and father and Bap Dada to the obedient, worthy and the children who follow the Shrimat. Om Shanti. एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है, 27 मार्च 1967। There's another small night class dated 27th March 1967. प्रदर्शनी के चित्र दिन प्रतिदिन और भी इम्प्रूव होते जाएंगे। The pictures of exhibitions will be improved all the more day by day. कौन से चित्र? Which pictures? उन मनुष्य गुरुओं ने तो ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए माया की मत पर। Those human gurus prepared numerous pictures on the directions of Maya. बाबा कौन से चित्रों की बात करते हैं? Which pictures does Baba talk about? बाबा जिन चित्रों की बात करते हैं वो है त्रिमूर्ति के चित्र। मुख्य है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा का चित्र, विष्णु का चित्र, शंकर का चित्र। The picture which Baba talks about are the pictures of the Trimurti. The picture of the Trimurti is important. The pictures of Brahma, Vishnu and Shankar. फिर है लक्ष्मी नारायण का चित्र। Then there is the picture of Lakshmi Narayan. फिर झाड़ में आओ तो धर्म पिताओं के चित्र नंबर वार। Speaking about the picture of the tree, there are the pictures of the religious fathers in it number wise. उन बेसिक ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र बनाए जाते हैं। The non-living pictures are prepared by those basic Brahmins. नई दुनिया का जड़ सैंपल तैयार किया जाता है। The non-living sample of the new world is prepared. स्वर्ग का मॉडल बनता है। The model of heaven is prepared. और तुम ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र तैयार होते हैं या चैतन्य चित्र तैयार होते हैं? However, are the non-living pictures or the living pictures prepared by you Brahmins?
तुम ब्राह्मण चैतन्य चित्र तैयार करती हो। यू ब्राह्मिन्स प्रिपेयर द लिविंग पिक्चर्स। उन चित्रों में भी मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण। तुम इन सबको क्लियर करके समझाते हो। Even among those pictures, the main picture is of the Trimurti. You explain all of them clearly. Brahma, Vishnu, Shankar, Lakshmi, Narayan. ये चित्र और ही क्लियर होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। These pictures will become all the more clear day by day. अभी बुद्धि में फिर भी कम बैठता है। ब्रह्मा कौन है? विष्णु का पाठधारी कौन है और शंकर पाठधारी कौन है? Now it comparatively sits to a lesser extent in the intellect. Who Brahma is, who the actors playing the part of Vishnu and Shankar are. उन पाठधारियों के बारे में पूरी क्लैरिटी न होने के कारण, स्पष्टता न होने के कारण तुम बच्चे भी मुझते रहते हो। Because of not having complete clarity about those actors, you children also continue to become confused. जब ये चित्र पूरे इम्प्रूव हो जाएंगे, When these pictures are improved completely, तो तुम भी निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। You will also become the one with an intellect that has faith. बाबा ने जो अभी बनाया है गीता का भगवान कौन? क्या? The picture, who is God of the Gita that Baba has prepared now? What? क्या बनाया? What did he prepare? 67 में बाबा ने क्या बनाया? गीता का भगवान कौन? What did Baba prepare in the year 1967? Who is God of the Gita? चित्र बनाया था गीता के भगवान का? Had he prepared any picture of God of the Gita? प्रदर्शनी की किताब में दिया हुआ है। क्या चित्र बनाया था? It is published in the book Pradarshini. Which picture had he prepared? एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु का चित्र और नीचे लिख दी गीता, जय गीता। लिख दिया दोनों का कंट्रास्ट, कृष्ण की बनाई हुई जड़ गीता और शिव ज्योति बिंदु की बनाई हुई गीता। अभी तो कोई बात ही नहीं ठहरती। There is the picture of Krishna on one side and the picture of the point of light Shiv on the other side and below it it is mentioned the Gita, the non-living Gita. The contrast of both of them was written. The non-living Gita made by Krishna and the Gita made by the point of light Shiv. Well, there is no sense in it. Bindu Gita kaise uchcharan karega? How will the point pronounce the Gita? Bindu kaise Gita sunayega? How will he narrate it? Baba ne to clear kiya hai. Baba has definitely made this clear. शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। Heaven is established through the Gita of Shiv. और कृष्ण की गीता से नरक बनता है। And hell is established through the Gita of Krishna. तो बाबा ने जो अभी चित्र बनवाया, ये किस समय की बात है? So the picture that Baba got prepared now, it is about which time? इस समय की बात बताई। It was mentioned about which time? मुरली किस समय की है? This is the मुरली of which time? 67 की। Of 67. तो ये किस बाबा की बात की? So it was mentioned about which बाबा?
शिव बाबा की बात है या ब्रह्मा बाबा की बात है? इज इट अबाउट शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने वो चित्र बनवाया। ब्रह्मा बाबा हैड दैट पिक्चर प्रिपेयर्ड। ब्रह्मा बाबा जो चित्र बनवाया उस चित्र से ये बात साबित ही नहीं होती कि गीता का भगवान चैतन्य में साकार में शिव भगवान कैसे है। द पिक्चर दैट ही गॉट प्रिपेयर्ड इट इज इन प्रूफ थ्रू इट एट ऑल हाउ गॉड शिव इज गॉड ऑफ द गीता इन द लिविंग एंड द कॉर्पोरियल फॉर्म। और कृष्ण की गीता से नरक की दुनिया कैसे बनती है? एंड हाउ द वर्ल्ड ऑफ हेल इज क्रिएटेड थ्रू द गीता ऑफ कृष्ण? क्योंकि बाबा की खुद ही समझ में नहीं आया। इट इज बिकॉज बाबा हिमसेल्फ डिडंट अंडरस्टैंड इट। कौन से बाबा को? विच बाबा? ब्रह्मा बाबा को ये बात खुद समझ में नहीं आई। ब्रह्मा बाबा हिमसेल्फ डिडंट अंडरस्टैंड इट। असली बात क्या है? वॉट इज द ट्रूथ? कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बनता है। द गीता ऑफ कृष्ण मीनिंग द गीता दैट वॉज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ कृष्ण एलियस दादा लेखराज हेल इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू इट इन द वर्ल्ड ऑफ दोज ब्राह्मिन्स। आबादी बढ़ती जाती है। The population keeps increasing. और शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता सुनाते हैं उस गीता से दुनिया की आबादी कम हो जाती है। Whereas the population of the world decreases through the Gita which शिव शंकर भोलेनाथ narrates. ब्राह्मणों की दुनिया की आबादी भी कम हो जाती है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। The population of the world of Brahmins also decreases and a new world is established. वो दुनिया होती है स्वर्ग। That world is heaven, स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात स्वयं स्थिति में जाने वालों की दुनिया है। स्वर्ग means it is the world of those who go in the stage of the self, स्वस्थिति। देवान वालों की दुनिया नहीं होती। इट इज इन द वर्ल्ड ऑफ द बॉडी कॉन्शियस सोल्स। तो यह चित्र सबसे जरूरी है। सो दिस पिक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा चित्र? विच पिक्चर? एक तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से स्वर्ग बनता है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की बनाई हुई गीता से दुनिया ब्राह्मणों की नरक बनती है। ऑन वन साइड हेवन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द गीता ऑफ शिव शंकर भोलेनाथ एंड ऑन द अदर साइड द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स बिकम्स हेल थ्रू द गीता मेड बाय श्री कृष्ण एलियस दादा लेखराज। मनुष्य समझेंगे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। People will understand that Krishna isn't God of the Gita. जिस गीता की इतनी महिमा है कि सारी दुनिया की माई बाप है। The Gita which is highly glorified that it is the mother and father of the entire world. जिस गीता से स्वर्ग बनता है उस गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। Krishna isn't God of that Gita through which heaven is established. उस गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। The Supreme Father, Supreme Soul Shiv is God of that Gita. उनको ही वो God Father कहकर के याद करते हैं। He alone is remembered by saying, O God the Father. O God Father. O God the Father. तो कोई हुआ है ना प्रैक्टिकल में? So someone has certainly been there in practice, hasn't there? तब तो याद करते हैं। It is then that they remember him. कोई हुआ ही ना हो और उसे कोई याद करे ये तो हो नहीं सकता। This certainly can't be possible that someone remembers someone who hasn't existed at all. सारा मदार इस कंट्रास्ट के ऊपर आ जाता है। Everything is based on this contrast.
कौन सा कंट्रास्ट? विच कॉन्ट्रास्ट? शिव की गीता और कृष्ण की गीता. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द गीता ऑफ शिव एंड द गीता ऑफ कृष्ण. विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते. और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते. The one with an opposing intellect at the time of destruction is destroyed, and the one with a loving intellect at the time of destruction becomes victorious. Vinashakale priti buddhi kon? Who are those with a loving intellect at the time of destruction? Jo Shiv ki Gita ko pehchante hain, jante hain, wo Vinashakale priti buddhi. Those who recognize and know Shiv's Gita are those with a loving intellect at the time of destruction. और जो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति. But those who read, teach, listen and narrate the Gita of Krishna alias Dada Lekhraj are those with an opposing intellect and are destroyed at the time of destruction. इसलिए सीढ़ी के चित्र में भी बाप ने लिखवाया मुरली में. सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो जहाँ वो तथाकथित ब्राह्मण बैठे हुए हैं. ध्यान दिया सीढ़ी के चित्र में. This is why the father had it written in the picture of the ladder too. He said in the murli, right below in the picture of the ladder, where those so-called Brahmins are sitting, did you pay attention to the picture of the ladder? उसमें लिख दो, यहाँ लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग. Write in it, where it is written, the confluence ages of 40 years. नीचे लिखा है, सन 36 से लेकर 76 तक, 76 तक. उसमें लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते. इट इज रिटन बिलो फ्रॉम द ईयर 1936 टू 1976. राइट इट देयर, दोज विद एन ऑपोजिंग इंटेलेक्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉयड. वो सन 76 से विनाश के कगार पर पहुंचने लगे. दे स्टार्टेड रीचिंग द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द ईयर 1976. और ऊपर सीढ़ी में लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते. एंड राइट ऑन द टॉप इन द पिक्चर ऑफ द लैडर, दोज विद अ लविंग इंटेलेक्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकम विक्टोरियस. सो परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि विजयंती. दोज हु हैव अ लविंग इंटेलेक्ट विद द सुप्रीम सोल शिव बिकम विक्टोरियस. कृष्ण के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यति. Those who have loving intellect with Krishna are destroyed. Krishna arthat Dada Lekhraj ke saath priti buddhi vinashyanti. Murli mein bhi bola tha, isa Brahma ka chitra nahi rakhna hai. Agar rakhenge to patit ban jayenge. Those who have a loving intellect with Krishna, that is Dada Lekhraj, are destroyed. It was mentioned in the Murli too. You shouldn't keep the photo of this Brahma. If you keep it, you will become sinful. Patit ban jayenge mana vinash ko prapt ho jayenge. You will become sinful means you will be destroyed. Ye to yatharth baat hai. Kya? This is a true fact. What? Kya yatharth baat hai? Vinash kale. What is a true fact? कृष्ण बच्चा है या बाप है? Is Krishna the child or the father? कृष्ण बच्चा बुद्धि है. Krishna is certainly the one with a childlike intellect. राम बाप को कहा जाता है. The father is called Ram. ऐसा किसी मुरली में नहीं कहा गया कि राम बच्चा है और कृष्ण बाप को कहा जाता है. This wasn't mentioned in any murli. Ram is the child. And Krishna is called the father. Bachcha hai mane bachcha buddhi hai. He is a child means he is the one with a childlike intellect.
बुद्धि इतनी विस्तार को पाई हुई नहीं है। His intellect hasn't developed much. बाप बाप होता है। The father is a father. वर्षा बाप से मिलता है। You receive the inheritance from the father. तो जो बाप है वो ही वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। So actually, the father in the form of Shiv Shankar Bholenath himself is the father of the souls as well as the human beings. वही गीता माता का गीतापति भगवान है। He himself is the husband god of the mother Gita. जो मनुष्यों की बनाई हुई जड़ गीता को चैतन्य गीता बनाए देता है। Who transforms the non-living Gita made by the human beings into the living Gita. जड़त्वमयी गीता मनुष्यों ने बनाई। The human beings made the non-living Gita. और चैतन्य गीता शिव बाप ने बनाई। And the fathership made the living Gita. पहले पहले सभी के पास ये चित्र होना चाहिए। Everyone should have this picture in the first place. कौन सा चित्र? Which picture? एक तरफ कृष्ण की गीता, जड़ गीता, जड़ बुद्धि गीता, और दूसरी तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की चैतन्य गीता। On one side, there is the non-living Gita of Krishna, the Gita with an inert intellect, and on the other side, there is the living Gita of Shiv Shankar Bholenath, चैतन्य बुद्धि वाली गीता, the one with a living intellect. जब परमात्मा बाप सत्त चित्त आनंद है, तो गीता माता कैसी होनी चाहिए? When the Supreme Soul Father is true, living and blissful, How should the Mother Gita be? सत्य होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। Should she be true or false? She should be true. अभी कृष्ण की बनाई हुई गीता सारी झूठी हो गई है। Now the Gita created by Krishna has become totally false. जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप है, जिस गीता के ऊपर कृष्ण को भगवान बना करके दिल के ऊपर छाप लगा दी गई है, वो जड़ बुद्धि गीता है। The Gita who has the impact of Krishna on her, whose heart has that impression by making Krishna as God, she is the one with an inert intellect. बाप आकर के चैतन्य गीता की रचना करते हैं। The father comes and creates the living Gita. और उस चैतन्य गीता से छोटे से स्वर्ग की स्थापना होती है। And a small heaven is established through that living Gita. ये यथार्थ बात है। This is a true fact. प्रदर्शनी तो सभी करते हैं ना? दिन प्रतिदिन नए नए विचार निकलते रहेंगे। Everyone does organize exhibition, don't they? You will continue to have new ideas day by day. ये नॉलेज सबके लिए है। This knowledge is for everyone. ऐसे नहीं, ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के लिए है। कि शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नर्क। It isn't that this knowledge is only for you children, that heaven is established through the Gita of Shiv and hell is established through the Gita of Krishna. सारी दुनिया इस बात को समझेगी। The entire world will understand this concept. इस बात को। Which concept? जिसे जड़ बुद्धि गीता के ऊपर कृष्ण के भगवान होने की छाप है। The Gita with an inert intellect who has the impression on her of Krishna being God. जिस जड़ बुद्धि गीता के दिल पर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, उस गीता से दुनिया नरक बनती है, वैश्यालय बनती है। The Gita with an inert intellect who has the impression on her heart of Krishna being God,
थ्रू हर द वर्ल्ड बिकम्स हेल अ ब्रॉथल। और जिस गीता पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, जिस सत्य चैतन्य और आनंदमय गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ के चैतन्य चित्र की छाप है, वो गीता स्वर्ग बनाने के निमित्त बनती है। एंड द गीता हु हैज द इम्प्रेशन ऑफ शिव शंकर भोलेनाथ, the true living and blissful Gita, who has the impression of the living picture of Shiv Shankar Bholenath on her heart, becomes an instrument to create heaven. ये नए नए विचार निकलते रहेंगे। You will continue to have these new thoughts. ये विचार सबके लिए हैं। These thoughts are for everyone. गीता ही मुख्य शास्त्र है। भारत के प्राचीन ज्ञान और योग का। The Gita alone is the main scripture of the ancient knowledge and yoga of Bharat. उस कृष्ण वाली गीता से तो आबरू ही चट्ट हो गई। The Gita of Krishna has just brought disgrace. किसकी आबरू चट्ट हो गई? हैं? आबरू किसकी चट्ट हो गई? Whom did it bring disgrace to? अरे, whom did it bring disgrace to? कृष्ण की गीता से किसकी आबरू चट्ट हो गई? Who did the Gita of Krishna bring disgrace to? कृष्ण की गीता में साकार भगवान कृष्ण का रूप दे दिया। The form of corporeal God Krishna was mentioned in the Gita of Krishna. निराकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो निराकारी स्टेज है, उस स्टेज का चित्रण नहीं किया जा सका। इट कुडंट रिप्रेजेंट द इनकॉर्पोरियल स्टेज ऑफ द इनकॉर्पोरियल गॉड शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए उस कृष्ण वाली गीता से भारत की आवरू सारी दुनिया में चट्ट हो गई। This is why the Gita of Krishna brought disgrace to the honor of Bharat in the entire world. दूसरे धर्म वालों ने अपने अपने धर्म शास्त्रों को ऊपर कर दिया। The followers of other religions considered their religious book to be superior. और गीता को नीचा समझ लिया। And Gita to be inferior. अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठी होती कि गीता का भगवान भी निराकार शिव भोलेनाथ है, वो भी निराकारी स्टेज वाला है, जैसे हमारे धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, तो वो भी गीता को सर्वोपरि ग्रंथ मानते और गीता के भगवान को भी सर्वोपरि मानते। Had it sat in their intellect that the incorporeal Shiv Bholenath is God of the Gita, he is also the one with an incorporeal stage, just like their religious fathers have an incorporeal stage, they too would consider the Gita to be the highest religious book of all, as well as God of the Gita to be the highest of all. तो भारत की आबरू चट्ट हो गई। So, the honor of Bharat was disgraced. कितने गपोड़े बैठ लिखे। They have written so many gossips. बाप कहते हैं तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। The father says you have wasted a lot of time. क्या? What? कृष्ण की गीता में माथा मार करके तुमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। You wasted a lot of time by racking your brains behind Krishna's Gita. किसको कहते हैं? Whom does he say that to? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। All these scriptures belong to the path of bhakti. भक्ति मार्ग के शास्त्रों के पिछाड़ी कितना खर्चा किया है? You have spent a lot after the scriptures of the path of bhakti.
जो सर्वसेवुल बच्चे हैं उनका ही विचार सागर मंथन होता है। Only the serviceable children churn the ocean of thoughts. सर्वे पर नहीं रहते हैं तो विचार सागर मंथन भी नहीं होता है। If they don't do service, they don't churn the ocean of thoughts either. क्या कहा? What was said? बहुत कहते हैं कि हमारी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं, तो कारण क्या बताया? क्यों नहीं चलता? Many children say thinking and churning doesn't take place in our intellect at all. What was the reason mentioned that it doesn't take place? क्योंकि अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं, अपने ही पेट पालने में लगे रहते हैं। It is because they are engaged in their own job and business. They are engaged just in sustaining themselves. विश्व कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवा में कोई भी टाइम नहीं देते। They don't give any time in the ईश्वरीय service for the welfare of the world. यहाँ तक कि संगठन का क्लास करना भी भूल जाते। Moreover, they even forget to attend the संगठन क्लास। तो फिर उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चल नहीं सकता। So, the churning of the ocean of thoughts can't take place in their intellect at all. तुम ब्राह्मण भी सर्विस नहीं करेंगे, तो फिर मिलेगा क्या? If you Brahmins don't even do service, what will you get? ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या होता है? What is the main business of the Brahmins? सुनना ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान सुनना और ईश्वरीय ज्ञान सुनाना। To listen to and narrate the ईश्वरीय knowledge. और ब्राह्मण भी वो धंधा न करे ज्ञान सुनने और सुनाने का, तो ब्राह्मण कहे कि? And if the Brahmins don't do that business of listening and narrating the knowledge either, how can they be Brahmins? राजधानी स्थापन होती है। The capital is established. फिर उसमें राजा रानी भी चाहिए और दास दासियां भी चाहिए। So the kings and queens as well as servants and maids are required in it. तो जो सर्विस करते हैं वो राजा रानी बनते हैं और जो नहीं करते हैं वो दास दासी बनेंगे। Those who do service become kings and queens and those who don't do it they will become servants and maids. दास दासी और प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या राजाओं की संख्या ज्यादा होती है? Is the number of the servants, maids and subjects big or is the number of the kings big? दास दासी और प्रजा बनने वालों की संख्या बहुत होती है। The number of those who become servants, maids and subjects is very big. तो तुम ब्राह्मणों में भी सर्वसेवन बच्चे बहुत थोड़े हैं। So even among you Brahmins, there are a very few serviceable children. और अपने ही पेट के धंधे धोरी में लगे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। And the number of those who are engaged in doing job and business for their livelihood is very big. तो वो सब यहाँ बन रहे हैं। So, all of them are getting ready here. कहाँ? Where? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में वो दास दासी, वो प्रजावर्ग की आत्माएं, वो राजा रानी सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। Here in the confluences world of Brahmins, everyone including the servants and maids, the souls belonging to the subject category, kings and queens are getting ready. पिछाड़ी में तुम सब समझ जाएंगे। You will understand everything in the end. क्या कहा? What was said? अभी नहीं मानते हैं। You don't accept it now. अभी ये बात नहीं मानेंगे। You won't accept it now. लेकिन जब पिछाड़ी होगी, रिजल्ट निकलेगा, तो सब समझ जाएंगे कि ये क्या क्या बनेंगे। But when it is the end, when the result comes out, everyone will understand what they will become. कोई बिचारे हैं मरने पर हैं, बाबा से
से पूछते हैं बाबा हम क्या बनेंगे. सम पुअर वंस हु आर अबाउट टू डाई दे आस्क बाबा बाबा व्हाट विल आई बिकम. तो बाबा झट बता देंगे. देन बाबा विल आंसर देम इंस्टेंटली. बाप के बने हैं तो कहना चाहिए बाबा हम मनसा वाचा करवाना आपकी सर्विस में लगे ही रहेंगे. When they belong to the father, they should say, Baba, we will just continue to be engaged in your service through the mind, speech and actions. मन से भी लगे रहेंगे, वाणी से भी लगे रहेंगे और कर्म इंद्रियों से भी लगे रहेंगे. We will continue to be engaged in your service through the mind, speech and the karmendriya as well. वो सेवा नहीं करते. They don't do service. अपने ही तन की सेवा में अपने ही तन के संबंधियों की सेवा में लगे रहते हैं. They are engaged in the service of their own body as well as in the service of the relatives of their body. तो फिर बेचारे क्या पद पाएंगे. So what position will the poor ones receive? नंबर वार पद तो होते हैं ना. There are certainly number wise positions, aren't there? भंडारी अच्छी संभालने वाली हो. If the storekeeper maintains the storehouse properly, तो वहाँ भी भंडारी नंबरवार होंगे. There will be number wise storekeepers there too. राजा रानियों के भंडार भरे पूरे होते हैं ना. The storehouse of the kings and queens are full, aren't they? तो भंडार से राज परिवार भी पलता है. तो उस भंडारे से सारी प्रजा भी पलती है. इतने बड़े भंडार को संभालने वाला भी कोई वहाँ होगा ना. The royal family as well as the entire subject is sustained through that storehouse. There will also be someone to look after such a big storehouse there, won't there? तो ये शूटिंग कहाँ होती है. So where does this shooting take place? यहाँ ही ये शूटिंग होती है. It takes place here itself. जो यहाँ बाबा के भंडारे की अच्छी संभाल करते हैं वो वहाँ भी बड़े भंडारी बनेंगे. Those who look well after Baba's storehouse here, they will become big storekeepers there too. कोई तो ऊपर से सुखी होगा. Some must be happy superficially. अंदर से घुल रहा होगा. But must be wasting from within. कोई यहाँ ऊपर से मुखी होंगे मुखिया होंगे. Here, some will be chiefs superficially. उनके नीचे फिर 8-10 और होंगे. बाबा जानते हैं कि सीखने वाले सिखाने वाले से भी ऊंच चले जाते हैं. There will be another 8-10 souls under them. Baba knows that the learners even go ahead of the teachers. कैसे चले जाते हैं. How do they go ahead of them? जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं और उनको सिखाने वाला जो टीचर रहा है या टीचर रही है उससे भी वो ऊंचे कैसे चले जाते हैं. How do the students who learn go ahead of even the teacher who teaches them? क्योंकि जिसे टीचर ने संदेश दिया सिखाया वो अपने ही धंधे दौरी में लगी रहती है महल माणियां बनाने में लगी रहती है. It is because the teacher who gave them the message, taught them, is just engaged in her own job and business. She is engaged in building palaces and buildings. और जिसने सीखा, वो विश्व कल्याण की सेवा में लग जाती है. And the one who learned from her gets engaged in the service of the welfare of the world. तो जरूर ऊंची जाएंगे ना. So they, that is the students, will certainly become higher than her, that is the teacher, won't they? सर्विस करने वाले दिल पर चढ़ते हैं. Those who do service win the heart. किसके दिल पर चढ़ते हैं. Whose heart do they win? बाप की दुकान कौन सी है. ज्ञान दुकान. ये दुकानें हैं बाप की. Which is the shop of the father? Student, centers. These are the shops of the father. ईश्वरीय सेवा की इन दुकानों पर जो अच्छे सेल्समैन होते हैं उनको बहुत उजूरा मिलता है.
Those who are good salesmen at the shop of Ishwariya service, they receive high returns. क्योंकि बाप के दिल पर चलते हैं। It is because they win the father's heart. जो बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे तो उनको याद कैसी आवेगी? Those who would have won the heart of the father, what kind of remembrance will they have? अच्छी याद आवेगी या थर्ड क्लास याद आवेगी? Will they have good remembrance or the third class remembrance? दुनिया तो बाप को याद करती है और बाप किसको याद करते हैं? The world definitely remembers the father, but whom does the father remember? सर्विसेबल अपने सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। He remembers his serviceable children. तो सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बहुत ऊंची चली जाएगी। So their stage will become very high. लौकिक बाप के दिल पर भी आज्ञाकारी बच्चे ही चढ़ते हैं। Only the obedient children win the heart of even the Laukik father. उनकी जो स्थूल दुकान है उस स्थूल दुकान को संभालने वाला बच्चा होगा तो वो बच्चा उनको बहुत प्यारा लगेगा। The child who looks after the limited shop of the father, he will be very dear to him. जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें तो जैसे कि बास आती है। Those who don't have knowledge, it is as if they stink. क्यों? Why? जिनमें ज्ञान नहीं है उनसे बदबू क्यों आती है? Why do those who don't have knowledge stink? ज्ञान नहीं है तो ज्ञान जल से स्नान कैसे करेंगे? If they don't have knowledge, how will they bathe with the water of knowledge? ज्ञान जल से स्नान ही नहीं करेंगे तो बदबू आएगी या नहीं आएगी? If they don't bathe with the water of knowledge at all, will they stink or not? बदबू आएगी। They will. जिनमें जितना ज्यादा ज्ञान ठहरा वो उतने ही स्वच्छ बने रहेंगे। The more someone has knowledge, the cleaner he will be. ऐसे बदबू वालों से फिर नफरत आती है। People hate such people who stink. दुनिया में भी एक मुसलमान धर्म वो लोग जुम्मा जुम्मा स्नान करते हैं। In the outside world too, the people of the Muslim religion bathe every Friday. उनके देश में पानी मिलता ही नहीं। Water isn't available in their country at all. यहाँ जैसे पेट्रोल महंगा ऐसे वहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जस्ट लाइक पेट्रोल इज एक्सपेंसिव हियर, सिमिलरली वाटर इज हार्डली अवेलेबल देयर। उन आत्माओं ने ऐसा भाग्य कहाँ से बनाया? वेयर डिड दोस सोल्स क्रिएट सच फेट? उन मुसलमान धर्म की आत्माओं ने ये भाग्य कहाँ से, दुर्भाग्य कहाँ से पाया जो उन्हें पानी नसीब नहीं होता जो रोज स्नान करे? When did the souls of the Muslim religion earn such misfortune that they don't get water so that they can bathe every day? ब्राह्मणों की संग मिली दुनिया में ही ऐसे है कि जो गीता का भगवान बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान अमृत देते हैं, तो उसे ज्ञान अमृत की ना कदरी करते हैं। There are such ones in the conscientious world of Brahmins itself who disrespect the knowledge which God of the Gita, the Father, narrates after coming, the nectar of the knowledge of the Gita, that is, Gita Gyan Amrit that he gives. Yeah? What? Gita Gyan Amrit ki na kadri karte hain. Unke paas Gyan Jal ka stock hota hi nahi. Koi agar de bhi, toho bhi fek dete hain. Those who disrespect the nectar of the knowledge of the Gita, they don't have the stock of the water of knowledge at all. Even if someone gives it to them, they throw it away. तो ऐसे बच्चों से
जिनके पास ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की जो ये प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे जैसे कि नफरत आती है। सो इट इज एज इफ ही हेट्स द चिल्ड्रन हु डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द ईश्वरीय नॉलेज। कोई भी विकर्म करते हैं, पतित बन जाते हैं, तो दिल के अंदर बहुत खावेगा ना। इफ दे परफॉर्म एनी रॉन्ग एक्शन, इफ दे बिकम सिंफुल, इट विल प्रिक अ लॉट विद इन देयर हार्ट, वोंट इट? जो अज्ञानी होंगे उनसे बहुत विकर्म होते रहेंगे। दोज हु आर इग्नोरेंट विल कीप परफॉर्मिंग मेनी रॉन्ग एक्शंस। ऐसा बहुत होता रहता है। दिस कीप्स हैपनिंग अ लॉट। माला में पिरोया जाना कोई मासी का घर नहीं है। To get threaded in the rosary isn't an easy task. माला में कौन पिरोए जाएंगे? Who will be threaded in the rosary? माला माना ईश्वरीय संगठन। Rosary means the ईश्वरीय gathering. नंबर वार मालाएं हैं। There are number wise rosaries. First class माला भी है। कौन सी? There is the first class rosary too. Which one? The rosary of the 8 beads. Second class mala 108 ki. Aur third class mala 16108. The second class rosary is of the 108 beads and the third class rosary is of the 16108 beads. Jo first class mala hai वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी हुई है। द फर्स्ट क्लास रोजरी हैज बीन प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ गॉड शिव शंकर भोलेनाथ। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको माँ बाप सर के ऊपर चढ़ाते। पेरेंट्स प्लेस द वेरी डियर चिल्ड्रन ऑन देयर हेड। फिर है विजय माला। देन देयर इज द विजय माला, गले की माला। द रोजरी अराउंड द नेक। गले से मिलते हैं ना। यू एम्ब्रेस समवन, डोंट यू? गलबैया डाल देते हैं ना। यू पुट योर आर्म्स अराउंड अदर्स नेक, डोंट यू? तो ऐसे जो गले की माला बनते हैं वो है 108 बच्चे। सो दोज हु बिकम द बीड्स ऑफ सच रोजरी अराउंड द नेक आर द 108 चिल्ड्रन। और फिर है 16108 की माला। Then there is the rosary of the 16108 beads. जो भुजाओं में लपेटी रहती है। Which is wound up around the arms. तो माला के मणके तो बनते हैं ना। So they become the beads of the rosary, don't they? बहुत ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। There are many who fail. देही अभिमानी बन नहीं सकते। दे कांट बिकम सोल कॉन्शियस। देह अभिमानी ही रह जाते। दे जस्ट रिमेन बॉडी कॉन्शियस। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? इज इट समथिंग ऑफ लेस इम्पोर्टेंस टू बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड? पूरी चढ़ती कला तो तब कहेंगे जबकि पूरी विजय माला में आ जावे। यू विल बी सेट टू हैव द कम्प्लीट स्टेज ऑफ असेंडिंग सेलेस्टियल डिग्री व्हेन यू कम्प्लीटली कम इन द विजय माला। हर एक खुद ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन हाउ मच सर्विस दे डू। प्रदर्शनी में बहुतों से बोलना भी होता है। यू ऑल्सो हैव टू स्पीक टू मेनी पीपल इन द एग्जीबिशन। सब कोई बताते थोड़े ही है। नॉट एवरीवन टेल्स देम। क्या नहीं बताते? What don't they tell them? प्रदर्शनी में क्या बताना है? What do you have to tell them in the exhibition? अरे हमारी प्रदर्शनी कौन सी है? Which is our exhibition? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी है। Ours is the exhibition of living pictures. त्रिमूर्ति के चित्र पर या बैज में बैठ करके समझाओ। Sit and explain on the picture or the badge of the Trimurti.
कि ब्रह्मा का पार्ट इस समय किसका चल रहा है, कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी ब्रह्मा है, कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी विष्णु या वैष्णो देवी है, और कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी शंकर है। Who is playing the part of Brahma at present? Who are the actors playing the role of Brahma, Vishnu or Vaishnavi Devi and Shankar in practice? Teen puriyan hai na? There are three abodes, aren't there? Brahma puri, Vishnu puri or Shankar puri? The abode of Brahma, the abode of Vishnu and the abode of Shankar. Teen puriyon ke teen dham gaaye hue hain. Three dhams of the three abodes are praised. Dukhadham, Sukhadham aur sabse uncha Shanti dham. Dukhadham, that is the abode of sorrow, Sukhadham, that is the abode of happiness, and the highest is Shanti dham, that is the abode of peace. To teenon puriyon ke adhishtata kaun kaun hai? Wo chitra baith karke samjhao. So sit and explain the picture. Who the rulers of these three abodes are? तीनों चैतन्य चित्रों का ज्ञान बुद्धि में होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। If you have the knowledge of all the three living pictures in your intellect, you will also be able to explain to others. आगे चलकर के बहुत होशियार हो जाएंगे। In future, many will become intelligent. अभी तो इतने होशियार थोड़े हैं, कितने होशियार? There are a few ones who are so intelligent at present. How intelligent? जो चैतन्य चित्रों को समझा सके। Those who can explain the living pictures. ये है बहुत ऊंचते ऊंच कुल और वो है शूद्र कुल। This is the highest of the high clan, and that is the Shudra clan. ऊंचते ऊंच कौन कुल कौन सा है? Which is the highest of the high clan? है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सूर्यवंशी कुल। The सूर्यवंशी clan of प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीज। उनका है शूद्र कुल। Theirs is the Shudra clan. तो हम ब्राह्मण बनने से स्वर्ग बनता है। Heaven is established when we become Brahmins. समझाओ, हम ब्राह्मण बनते हैं तो तुम स्वर्गवासी बन सकते हो। Explain to them, when you become Brahmins, you can become the residents of heaven. आगे चलकर के तुम देखेंगे कि कितने ढेर आते जाएंगे। क्या? Later on you will see that numerous souls will keep coming. What? कोई एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं पड़ेगी। There won't be any need to advertise it. अखबारों में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। There won't be any need to publish it in the newspapers. टीवी वालों को या रेडियो वालों को पैसे तो तुम अभी भी नहीं देते हो। You don't give money to the television or radio even now. लेकिन आज वो अपने आप ही आएंगे। But they will come on their own in future. बहुत आएंगे। ये ऋषि मुनि सन्यासी भी आते रहेंगे। Numerous people will come here. These sages, saints and sannyasis will also keep coming. Yeah? जो अभी बहुत अहंकार में रहते हैं वो भी आ रही है। What? Those who have a lot of ego now, they will also come. बाबा जो ये बना रहे हैं क्या? What Baba is preparing? What? कि स्वर्ग बनाने वाली गीता कौन और गीता का भगवान कौन और नरक बनाने वाली गीता कौन सी और नरक की गीता का भगवान
कौन? ये चित्र अभी तैयार हो रहा है. द पिक्चर शोइंग विच गीता क्रिएट्स हेवन एंड हु गॉड ऑफ द गीता इज, विच गीता क्रिएट्स हेल एंड हु गॉड ऑफ द गीता ऑफ हेल इज, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड. तैयार हो रहा है. द पिक्चर इज बीइंग प्रिपेयर्ड. ये दोनों ही गीताओं का जो चित्र है वो चैतन्य में तैयार हो रहा है. यह जड़ गीता तैयार हो रही. Is the living picture of both these Gitas being prepared or is the non-living Gita being prepared? Chaitanya Gita taiyar ho rahi hai. The living Gita is being prepared. Wo bahut bade bade aksharon mein translate mein banayenge. Kya? They will prepare the translate pictures with very bold letters. Translate pictures in a box lit from inside. What? Gita ka bhagwan kaun? Krishna ya nirakar Shiv Shankar Bholenath? Who is god of the Gita, Krishna or the incorporeal Shiv Shankar Bholenath? Wo chitra translate ka banavenge. They will prepare the translate picture of it. गीता भी चैतन्य और भगवान भी चैतन्य. द गीता एज वेल एज गॉड आर लिविंग. वो जड़ बुद्धि गीता से नरक और चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग. हेल इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द गीता विथ एन इनर्ट इंटेलेक्ट एंड हेवन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द गीता विथ अ लिविंग इंटेलेक्ट. दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है ना. न्यू पॉइंट्स कीप इमर्जिंग डे बाय डे, डोंट दे? समझा जाता है. इस तरह तो सब शास्त्र दुर्गति में ले जाने वाले. इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल द स्क्रिप्चर्स विल टेक यू टुवर्ड्स डेग्रेडेशन इन दिस वे. शिव बाबा तो अब बनाए रहे हैं. शिव बाबा इज प्रिपेयरिंग इट नाउ. उनसे सदगति होनी है. यू विल अटेन सदगति थ्रू इट. इसे दुर्गति का विनाश सामने खड़ा है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिग्रेडेशन इज स्टैंडिंग अहेड नाउ. विनाश कब होगा? व्हेन विल द डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस? ये अभी नहीं बता सकते. ही कांट टेल यू दैट नाउ. क्या? व्हाट? दुर्गति का विनाश कब होगा और सदगति की दुनिया कब बनेगी ये अभी ठीक ठीक बता नहीं सकते हैं. He can't tell you properly when the world of degradation is destroyed and when the world of sadgati is created. बुद्धि से समझा जाता है. You understand it through your intellect. ये विनाश की डेट बताना ड्रामा में नूद नहीं है. It isn't fixed in the drama to tell you the date of destruction. बाकी हाँ, विनाश सामने खड़ा है. As for the rest, yes, destruction is standing ahead. माना? What does it mean? बहुत दूर नहीं है. It isn't very far away. विनाश जल्दी होगा. Destruction will take place soon. इसके लिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है. फॉर दिस वी शुड मेक फास्ट पुरुषार्थ. अगर पुरुषार्थ कम होगा तो हमारा ही विनाश होगा. इफ अवर पुरुषार्थ इज लेस वी आवरसेल्व्स विल बी डिस्ट्रॉयड. पुरुषार्थ अच्छा होगा तो विनाश में हम स्थिरियम बने रहेंगे. इफ अवर पुरुषार्थ इज गुड वी विल स्टे स्टेबल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो ये विनाश सामने खड़ा है. सो द डिस्ट्रक्शन इज स्टैंडिंग अहेड. अगर शरीर छूट जावे तो फिर जाकर छोटा बच्चा बनना पड़ेगा. इफ यू लीव योर बॉडी यू विल हैव टू बिकम अ स्मॉल चाइल्ड. जब तक छोटा बच्चा बनकर के रहेंगे
तब तक याद का पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। As long as you stay being a small child, you won't be able to make the purusharth of remembrance because the knowledge won't sit in your intellect. फिर तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। Then you won't be able to make so much purusharth. कितना? To what extent? कितना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे? To what extent won't you be able to make purusharth? जितना बाबा चाहते हैं। The extent of which बाबा wants। छोटेपन में organs इतने तीखे नहीं होते हैं। The organs aren't so powerful in the childhood। तो ज्ञान भी बुद्धि में उतना बैठता नहीं है। So the knowledge also doesn't sit in the intellect to that extent। 10-11 वर्ष होने के बाद फिर बुद्धि तेज होती है। The intellect becomes sharp after 10 to 11 years. आज की दुनिया में तो छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि कितनी तीखी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर चलाने लग पड़ते हैं। The intellect of the children is certainly so sharp in today's world. Very young children start using computers. सारी दुनिया की नारी जो उनकी बुद्धि में कंप्यूटर से बैठने लगती है। The knowledge of the entire world starts to sit in their intellect through computers. टीवी देख देख करके छोटे छोटे बच्चे बड़ों बड़ों से भी ज्यादा होशियार हो जाते हैं। The young children become more intelligent even than the adults by watching TV. परंतु छोटे की बुद्धि में ज्ञान उतना न बैठने के कारण योग की यात्रा में बहुत कच्चे रहते। But the young children stay very weak in the journey of remembrance because the knowledge doesn't sit much in their intellect. Too much देहाभिमानी होने से विकर्म बहुत होते। They perform many wrong actions because of being too much body conscious. इतने विकर्म होते हैं कि होते होते माया माथा ही मुड़ लेती है। They perform so many wrong actions that by performing them continuously, माया just shaves off their head. और पता भी नहीं पड़ता है। And they don't even come to know of it. माया भी ऐसी है। माया इज ऑल्सो सच। जैसे कि चूहा काटता है तो ठंडी ठंडी फूंक मारता है और काट लेता है। जस्ट लाइक व्हेन अ रैट बाइट्स समवन, इट फर्स्ट ब्लोज कूल एयर एंड देन बाइट्स हिम। पता भी नहीं पड़ता। ही डजंट इवन कम टू नो अबाउट इट। बहुतों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता कि हमको माया ने डस लिया। Many just don't come to know anything that Maya has bitten them. ऐसों से तो अज्ञानी बहुत अच्छे, जिनको न माया का ज्ञान हो पाता और न बाप का ज्ञान हो पाता। The ignorant ones who are neither able to have the knowledge of Maya nor of the father are much better than such ones. अज्ञानी भी बड़े बड़े अच्छे और रॉयल होते हैं। Even the ignorant people are very good and royal. और बड़े बड़े आज्ञाकारी भी होते हैं अज्ञानियों में। There are even very obedient ones among the ignorant ones. यहाँ तो बाप के बच्चों में ऐसे हैं जो बात मत पूछो। Here, there are such ones among the children of the father that just don't ask about them. बाप कोई सेवा की बात बोलेंगे कि ऐसा करना है तो फट से इनकार कर देंगे। हम वहां नहीं जा सकते, माँ तो बहुत सर्दी। If the father says something about service that this has to be done, they refuse at once saying, I can't go there, it's very cold there. हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको तो ये बीमारी है। I can't do that, I have this disease.
बुद्धि में बैठता नहीं कि कौन हमको कहते हैं। इट डजंट सिट इन देयर इंटेलेक्ट हु आस्क्स देम टू डू इट। आगे चलकर के पता पड़ता जाएगा। दे विल कंटिन्यू टू नो अबाउट इट इन द फ्यूचर। ओम शांति। ओम शांति।